हाईवे पर एक सरदार ने जमकर हंगामा किया। उसने कारों के शीशे तोड़ दिए और लोगों के साथ पुलिस से भी बदमिजाजी की। इस सरदार की बुलेट पर सनकी सरदार लिखा था। पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। छतरपुर में रीवा हाईवे पर उस समय हंगामा हो गया जब एक बुलेट सवार सरदार मनदीप ने सड़क पर ही खड़ी कारों में तोड़फोड़ शुरू कर दी और लोगों पर हंगामा करने लगा। घटना गौरगांव की है। अपनी बुलेट जिसमें सनकी सरदार लिखा था उससे रीवा से बूंदी गांव जा रहे भोपाल निवासी मनदीप को किसी कार सवार ने पीछे से हॉर्न बजा दिया। फिर क्या, सरदार मनदीप ने उस कार को छोड़ अपनी बुलेट को सड़क पर खड़ा करके एक दूसरी कार को रोका और उसमें सवार कार सवार को उतार कर पिटाई कर दी और कार को तोड़फोड़ करने लगा। मनदीप ने कार के दरवाजे तोड़ डाले। हट्टे कट्टे मनदीप यहां पर भी नहीं रुका और सड़क पर चल रहे लोगों को रोककर उसमें गाली गलौज करने लगा। मनदीप की इस हरकत से सड़क पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। सड़क पर हंगामे की खबर ओरछा रोड थाना पुलिस को लगी तो वे वहां मौके पर पहुंची और सरदार पुलिस से भी बदतमीजी करने लगा। मामला बढ़ता देख पुलिस के एक जवान ने मनदीप की जमकर खबर ली और फिर पुलिस उसे थाने ले आई और उसके खिलाफ कार में तोड़फोड़ पुलिस से बदतमीजी करने और मारपीट करने का मामला दर्ज कर लिया। एसपी का कहना है कि लॉकडाउन में रीवा में रहते मनदीप का मानसिक संतुलन बिगड़ गया जिससे उसने हंगामा किया है। ऐसा मामला संज्ञान में आया है कि भोपाल निवासी कोई व्यक्ति सरदार है जो रीवा में किसी कार्य से कई दिनों तक था, वहाँ लॉकडाउन में वहीं पर था और वो कल अपने बुलेट से छतरपुर आया था। पीछे से किसी वाहन ने हॉर्न दिया, उससे नाराज़ होकर वो बुलेट जो है उसने बीच सड़क पर लगाया और उसके झोले में कुछ उपकरण थे हथौड़े जैसे, उससे कुछ गाड़ियों को उसने क्षतिग्रस्त किया है। जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो पुलिस के साथ भी बदतमीजी की गई है। इस संबंध में उस पर काबू पाया गया है, उसका मेडिकल भी कराया गया है और उसमें जो है उपयुक्त धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया, विवेचना जारी है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।